जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एयर सक्सेस फोर्स पर। सो फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड 01/1/2023 बैच नाविक जीडी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। इससे पहले मैंने जब नाविक डीबी का जब वीडियो बनाया कट ऑफ के ऊपर, तो काफी स्टूडेंट्स के कमेंट्स थे वो थे नाविक जीडी के ऊपर, सर नाविक जीडी का भी कट ऑफ के ऊपर एक वीडियो बनाइए, जो डिटेल्स आपका वीडियो हो, कैटेगरीज वाइज आपका वीडियो हो, जिसमें आपका जो नाविक जीडी का जो पूरा कट ऑफ का एक सेक्शन वो पूरा कवर हो जाए। तो यहाँ पर मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने नाविक जीडी कट ऑफ 2022 कैटेगरीज वाइज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नाविक जीडी की एक बार क्लियर कर देता हूँ कि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर मेरा वीडियो है। मैं यहाँ पर सिर्फ अनुमान लगाऊंगा कि इस बार कट ऑफ कितनी जा सकती है, पिछली बार के हिसाब से, पोस्ट के हिसाब से, टोटल फॉर्म के हिसाब से। एक यहाँ पर आपके सामने बेसिक डेटा जो रहता है, जिससे आपको भी एक अनुमान रहता है कि इतनी कट ऑफ जा सकती है। मैं यहाँ पर आपको पिछले साल की कट ऑफ दिखाऊंगा कि आपकी कैटेगरीज वाइज जो आपके पिछले साल की नाविक जीडी की जो कट ऑफ थी वो कितनी थी, इस बार आपकी क्या कट ऑफ जा सकती है, एक एक्सपेक्टेड अनुमान यहाँ पर लगाने वाले हैं आपकी कट ऑफ के बारे में। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आपके नाविक जीडी कट ऑफ कैटेगरीज वाइज, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जैसे कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पांचों कैटेगरी के यहाँ पर कट ऑफ को डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हर एक कैटेगरी आप जानते हैं कि कोस्ट गार्ड का जो कट ऑफ का एक प्रोसीजर है वो है कैटेगरीज वाइज। कैटेगरीज वाइज सभी स्टूडेंट्स की जो कट ऑफ होती है, सभी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी जो कट ऑफ होती है वो कैटेगरीज वाइज आपकी डिवाइड होती है, ना कि आपकी स्टेट वाइज। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आपकी नाविक जीडी की जो कट ऑफ है वो कैटेगरी वाइज। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने पहले रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर कर लें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। उससे पहले आपको बता देता हूँ कि ये जो आपकी कट ऑफ है ये आपकी एग्जाम की कट ऑफ है, क्योंकि बाद में जो स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं वो ये बोलते हैं कि क्या ये फाइनल कट ऑफ है। तो फाइनल कट ऑफ नहीं है भाई, जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ वो सिर्फ आपके एग्जाम की कट ऑफ के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि अभी जो आप अपना एग्जाम देके आए हैं, स्टेज फर्स्ट का जो आप अपनी एग्जाम देके आई है, इसकी जो कट ऑफ जाती है स्टेज फर्स्ट की, जो आपके फेज सेकंड के लिए, यानी कि स्टेज सेकंड के लिए जब आपका पीएफटी होगा उसके लिए जो आपकी कट ऑफ रहती है, वो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि आपके एग्जाम की जो कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली, क्योंकि इतनी ज़्यादा कट ऑफ जाती है कोस्ट गार्ड की, जिससे देख के लगता है कि क्या ये फाइनल कट ऑफ है। तो वही हम यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए मैडम, सबसे पहले मैं आपको जो कट ऑफ का पूरा एक पैराग्राफ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो कट ऑफ है आपकी कोस्ट गार्ड नाविक जीडी कट ऑफ 2022, ये आपकी 0-2022 बैच वाले की कट ऑफ है। जब जो अभी आप एग्ज़ाम देके आए हैं 01/1/2023 बैच का, इससे जस्ट पहले वाले बैच की ये कट ऑफ है जो आपके सामने है। और एक बार बता देता हूँ कि ये आपकी एग्ज़ाम की कट ऑफ है, यानी जो आपका एग्ज़ाम होता है उसके लिए जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, एग्ज़ाम फर्स्ट अभी जो आप देके आए हैं, जब आप स्टेज सेकंड के लिए शॉर्ट लिस्ट हो गए, यानी पीएफटी के लिए जब आप शॉर्ट लिस्ट होंगे, तो वो आपकी ये कट ऑफ है, स्टेज सेकंड वाली आपकी ये कट ऑफ है। तो यहाँ पर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। अब बात कर लेता हूँ कैटेगरीज वाइज कट ऑफ की। एक बात बता देता हूँ कि नाविक जीडी का जो आपका पेपर होता है वो आपका 110 यानी 110 नंबर का आपका पेपर होता है, उसमें से ही आपकी कट ऑफ जाती है। जनरल अनरिजर्व की देख लेते हैं तो 80 नंबर आपकी कट ऑफ थी। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं तो 74 आपकी थी। ओबीसी कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं तो 76 थी, और एससी कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं तो 70, और एसटी कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं 65। ये आपके सामने पांचों कैटेगरी की कट ऑफ है जिसको आप देख रहे हैं अभी, और ये आपकी 0-2022 बैच वाली कट ऑफ है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जो पोस्ट रहती है इंडियन कोस्ट गार्ड में वो कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करती, क्योंकि हर बार वही आपकी 270 या 265 यही आपकी पोस्ट रहती हैं। तो 3-4 पोस्ट से इतना ज़्यादा आपका इफेक्ट नहीं पड़ता, और पोस्ट आपकी 300 के कभी भी अबव अभी तक नहीं हुई है, या 270, 265 या 260 तक आपकी पोस्ट रही है नाविक जीडी की बात करता हूँ कि कल। अब यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं फॉर्म के ऊपर, तो आपके फॉर्म जो समथिंग थे वो 2.75 लाख के आपके फॉर्म समथिंग थे आपके टोटल, और ये आपकी नाविक जीडी डीबी यांत्रिक तीनों मिलाकर थी। जो मोस्ट ज़्यादा जो फॉर्म होते हैं आपके वो नाविक डीबी में फिल होते हैं, नाविक डीबी में सबसे ज़्यादा फॉर्म फिल होते हैं, क्योंकि इसका जो एक पेपर का लेवल भी आप देखते हैं, पेपर भी देखते हैं, और इसका जो एक सिर्फ मात्र एक सेक्शन भी पूछा जाता है। तो ज़्यादातर कैंडिडेट्स जो भी बायोग्रुप वाले होते हैं, नेवी एमआर वाले होते हैं, वो सभी स्टूडेंट्स नाविक डीबी में ज़्यादातर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर जो रहता है कि नाविक डीबी का जो फॉर्म होते हैं वो ये मान के चलिए कि अकेले अकेले आपका 60% रहता है पूरे फॉर्म का, 60% अकेले अकेले रहता है। तो ये मान के चलिए कि जो आपका इस बार के जो फॉर्म है वो समथिंग आपके नाविक जीडी के एक अनुमान लगा के चलते हैं, तो आपके फॉर्म होंगे 1 लाख ज़्यादा से ज़्यादा, आपके समथिंग इतने फॉर्म होंगे, और 10-20 हज़ार आपके ज़्यादा कम हो सकते हैं। इसके ऊपर मैं ज़्यादा आपका डिस्कशन नहीं करूँगा कितने फॉर्म थे, एक अंदाज़ा लगा के यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। पोस्ट आपकी उतनी ही है, आप जानते हैं पेपर का लेवल भी आपने देखा होगा कि बिल्कुल ऐसा नहीं कि ईजी रहता है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि हार्ड, और बिल्कुल ऐसा नहीं कि आपका आपका मॉडरेट टू
ज़्यादातर हाई ही जाता है, यानी कि पेपर का लेवल कभी भी इजी बहुत कम रहता है, मॉडरेट से ऊपर ही आपका पेपर का लेवल जाता है। नाभिक जी जो भी आप लोग क्वेश्चन बताते हैं कि ऐसे फिजिक्स में क्वेश्चन आए, ऐसे मैथ में आए, काफ़ी कैलकुलेटिव थे, काफ़ी न्यूमेरिकल थे। जब इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेट फिजिक्स में पूछा जाए तो पेपर का लेवल अपने आप अप हो जाता है उस हिसाब से। तो जो कट ऑफ का लेवल रहता है वो आपको इसी तरीके से देखने को मिल सकता है। अगर आप कट ऑफ की बात करें तो ज़्यादा पिछली बार से ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा किसी भी कैटेगरी में, नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी एग्ज़ाम की एक मैक्सिमम कट ऑफ हो सकती है। ये जो आप अभी अपने सामने देख रहे हैं ये एग्ज़ाम की एक मैक्सिमम कट ऑफ है। और जो एज में रिलैक्सेशन था वो भी इस बार हट गया था, क्योंकि इस बार नाभिक GD की और DB की जो एज थी वो आपकी सेम थी। यानी पहले ऐसा होता था कि नाभिक GD की जो एज रहती थी वो थोड़ी ज़्यादा रहती थी, नाभिक DB वालों की कम रहती थी, लेकिन इस बार नाभिक GD और DB की जो एज लिमिट थी वो सेम थी। तो जो भी ऊपर स्टूडेंट्स थे वो इस बार एलिजिबल नहीं थे, तो इस बार की जो कट ऑफ है वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी आपके एग्ज़ाम पर। अगर फिर भी अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात कर लेता हूँ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात कर लेता हूँ, तो हर एक कैटेगरी में प्लस या माइनस दो हो सकता है, प्लस दो माइनस दो आपका हर एक कैटेगरी में हो सकता है, और इससे ज़्यादा आपका कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा किसी भी कैटेगरी में। जब आपका ये मान के चलिए कि जब उनको कट ऑफ बढ़ानी होगी तो प्लस टू हो जाएगा, यानी कि किसी भी कैटेगरी में प्लस टू हो सकता है, हर एक कैटेगरी में प्लस टू। जब उनको कम स्टूडेंट सेलेक्ट करने होंगे तभी प्लस टू हो सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा यही लेवल रहा तो ज़्यादा से ज़्यादा एक नंबर डाउन होगा, या फिर आपका एक दो नंबर 81 तक हो सकता है। मैक्सिमम जनरल की बात कर रहा हूँ, 81 हो सकता है, EWS के 75 हो सकता है, OBC का 77 हो सकता है, या SC का 71 और ST का 67 या मैक्सिमम है ये सभी का। अगर आप देखें तो नाभिक GD की जो सबसे पहला जो आपका बैच था उसमें जर्नल की कट ऑफ गई थी 67 नाभिक GD वाले स्टूडेंट्स की। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये जब आपका एग्ज़ाम था वो इतना बढ़ते बढ़ते 80 तक आ गया, लेकिन अब ये आपकी मैक्सिमम कट ऑफ हो गई। यहाँ पर अगर दो नंबर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा तो हो यहाँ पर 82 या 83 तक हो सकता है, 81 तक हो सकता है, नहीं तो आपके कोई भी चांस नहीं बनता। जो आपकी कट ऑफ है वो ये मान चलिए कि यही आपको एज इट इज़ देखने को मिल सकती है। ज़्यादातर या मैंने पहले बोल दिया कि हर एक कैटेगरी में प्लस या माइनस टू हो सकता है। तो आई होप सारे डाउट्स आपके कट ऑफ को लेकर क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।